नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 जनवरी है और दिन है मंगलवार। सरसों में देखिए, अभी जो 2 दिन से सुधार देखने को मिल रहा है वो 2 कारणों से सुधार हो रहा है। पहला कारण तो ये है कि प्लांटों के पास अब सरसों की उपलब्धता नहीं है और प्लांटों को अपनी प्रतिष्ठा का ब्रांड जो है वो बनाए रखने के लिए, ब्रांड की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अब उन्हें सरसों की ज़रूरत है और सरसों की धीरे धीरे उनकी खरीद बढ़ने से भाव में सुधार होगा। वैसे भी मंडियों में अब जो आवक है वो बिल्कुल कमज़ोर स्तर पर रह गई है। कुछ एक मंडियां हैं जैसे भरतपुर के आसपास की मंडियां हैं 1-2-4 जिनमें थोड़ी बहुत ठीक ठाक यानी 400-500 गट्टे से लेकर के और 1000 गट्टे तक की आवक हो रही है। अदरवाइज और किसी मंडी के अंदर भी इतनी बड़ी आमद नहीं हो रही है। तो इसलिए अब सरसों की जो दिशा लगती है वो सुधार की तरफ ही लगती है। अब गिरावट की कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, छोटा मोटा कोई करेक्शन आ सकता है, लेकिन अब निरंतर जो है इसके अंदर कुछ दिन यानी 15 से लेकर के और 20 जनवरी तक के आसपास सरसों के अंदर ठीक ठाक सुधार और धीरे धीरे इसी तरह से जैसे 100-200 रुपये रोजाना का सुधार हो रहा है, इसी रफ्तार से सरसों सुधार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा कारण ये है कि सरसों का जो अब जो नई फसल तैयार हो रही है, लगभग महीने 1.5 महीने के बाद में सरसों की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी और बाजार में आवक शुरू हो जाएगी। इस तैयार फसल के ऊपर जो मौसम ख़राब हो रहा है राजस्थान में, जैसे मंगलवार से आज से ही मौसम ख़राब बताया हुआ है और 3-4 दिन लगातार बरसात और ओलावृष्टि है, ऐसी संभावना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है। तो इस मौसम ख़राब से कुछ फसल को नुकसान हो सकता है। हालांकि ये किसानों के लिए बड़ी पीड़ादायक बात होती है, किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल तैयार करता है लेकिन उस जो मौसम की जो खराबी होती है उससे बाज़ार पर असर आता है और बाज़ार में उसके जो दाम हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे लग रहा है कि 15-16 जनवरी के आसपास भी फिर एक बार मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस जो 5 तारीख से लेकर के या 4 तारीख आज से लेकर के 15-16 तारीख तक जो मौसम बार बार बदल रहा है और कहीं कहीं ओलावृष्टि बरसात की संभावना बन रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सरसों का बाज़ार अभी और सुधार की तरफ बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के 2 चीज़ों पर निर्भर है। एक, सरसों का बाज़ार निर्भर है मौसम पर और दूसरा बाज़ार मौसम के साथ साथ प्लांटों पर निर्भर है। जिन प्लांटों ने खरीद करनी है उनकी क्या क्षमता है, वो किस तरह से खरीद को बढ़ाते हैं। जैसे आज फिर सलोनी के प्लांटों ने 50 रुपये का भाव बढ़ाया हुआ है। जयपुर के भाव में भी आज 75 से 100 रुपये का सुधार देखने को मिला है। भरतपुर का भाव भी लगभग 100 रुपये तेज हुआ है और दूसरी जो अन्य मंडियां हैं जहां पर सरसों की आवक होती है वहां भी लगभग 100 रुपये का सुधार लगभग सभी मंडियों में देखने को मिला है। तो सरसों में अब कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है और सरसों धीरे धीरे सुधार की तरफ ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये तो हुई सरसों की बात। अब आपसे निवेदन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। दूसरा विषय ये है कॉटन में जो तेज़ी आ रही है, कॉटन पर जो बड़ा तेज़ी का माहौल जो दिख रहा है इसमें लोगों को हैरत हो रही है, कुछ व्यापारियों को हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी तेज़ी और इतनी बड़ी भाव, 10,000 का भाव आज बहुत सी मंडियों के अंदर देखने को मिल रहा है, कई कुछ में 10,000 से ऊपर भी भाव गया है। चाहे वो एक ढेरी के लिए ही गया हो, चाहे वो एक 20 क्विंटल की एक ढेरी के लिए गया हो, लेकिन भाव 10,000 से ऊपर कई मंडियों में, उत्तर भारत की मंडियों में भी और दक्षिण भारत की मंडियों में भी, मध्य भारत की मंडियों में भी, गुजरात की मंडियों में भी ये भाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कॉटन के साथ साथ खल और जो बिनोला है जिसको कपास्या भी कहते हैं और कपास्या की खली कहते हैं खल को, उनके भाव भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज बिनोला का जो भाव है बहुत सी मंडियों में 4,000 के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि जो खल का भाव है वो 3600-3700 रुपये 3800 रुपये तक भी बोला जा रहा है। तो कपास का भाव, नरमा का भाव मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये के आसपास है, बहुत सी मंडियों में है, 9400-9500 तो आम सी सभी सी लगभग सभी मंडियों के अंदर भाव कारोबार कर रहा है। इसके बारे में विस्तार से हमारा जो डेली बुलेटिन खबर आती है, अखबार आता है खेत खजाना का, उसमें बहुत विस्तार से ये चीज़ें छपती है किस मंडी के अंदर क्या कारोबार हो रहा है, किस तरह से राइस बाजार में उठापटक हो रही है, किस तरह से ग्वार के अंदर उठापटक हो रही है, क्या क्या कारण रह रहे हैं, इन सब के बारे में आप हमारे डेली बुलेटिन से भी आप जानकारी ले सकते हैं।
थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉटन के इंटरनेशनल मार्केट की। कॉटन का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हमारी भारतीय रुई की जो डिमांड है वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, इसीलिए इंटरनेशनल जो वायदा है उसमें कपास की तेज़ी है। चीन का जो यार्न का वायदा है उसके अंदर बहुत तेज़ी है। आज कपड़ा उद्योग ने, जो कपड़ा बनाने वाले जो इंडस्ट्री है, उन्होंने आज एक कहा है कि सरकार को कपास के आयात शुल्क में जो है वो कटौती करनी चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए, इस तरह की डिमांड की है। इसका असर क्या होगा? इसका असर मैंने एक दो विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका असर ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कपास और तेज़ हो जाएगी और बाहर से फिर और हमें महंगा कपास ही यहाँ लाना पड़ेगा। इसलिए इसकी कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है कि सरकार इसका आयात शुल्क घटा दे। घटा दिया तो मार्केट में इसका मंदे की तरफ असर नहीं आएगा, इसका बढ़ने की तरफ असर आएगा। थोड़ा बहुत जो भाव है उसके अंदर 150 रुपये का और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो ये है कॉटन की बात। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बासमती की। बासमती में देखिए, निर्यात मांग जब तक नहीं सुधरती, अभी तक सिर्फ सऊदी की 2 कंपनियों ने भारतीय बासमती का बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र सा सौदा किया है और उस नाम मात्र के सौदे से बाजार में जो थोड़ा बहुत सुधार आया था वो अब फिर एक बार रुक गया है, यानी बाजार एक बार स्टेबल हो गया है। और ये बाजार अब अगर 1 सप्ताह के अंदर और सौदे नहीं हुए, निर्यात मांग नहीं निकली, तो ये बाजार अभी और डाउन जा सकता है। कुल मिलाकर के 21% का निर्यात हमारा अभी तक डाउन जा चुका है और जो बाकी बचा निर्यात का मैटर है उसमें कुल मिलाकर के जो डिपेंड है वो डिमांड पर है। बाहर की कितनी कंपनियां हमें ऑर्डर करती हैं और हमारे से चावल खरीदती हैं भारत से, तो तब वो इसकी चाल बन सकती है। हालांकि क्रॉप काफ़ी कमज़ोर है, ये बहुत बड़ी मजबूती है भाव के लिए, लेकिन जब तक डिमांड नहीं निकलती तब तक बासमती के बाज़ार में भी अब जल्दी से कोई सुधार दिखाई नहीं देगा। तो आइए बात करते हैं कुछ मंडियों के भाव की। आज सरसों भरतपुर का भाव रहा है 7232 रुपये और जयपुर का भाव रहा है 7525, दिल्ली 7150, आदमपुर 6861, गंगापुर 7275, सिरसा 6550 का मतलब है 6550, दादरी 7700 रुपये, नोहर 6725, निवई मंडी 7430, एलनाबाद 6550, हिंडौन 7300, अलवर 7732, हापुड़ 7700, खैरथल मंडी 7375, कोटा 6961, जोधपुर 7725, बीकानेर 7000, सलोनी कोटा का भाव 8150 और सलोनी आगरा का भाव है 8250, गंगानगर 7000, रामगंज मंडी 6901, खेरली मंडी 7357, संगरिया मंडी 6780 और धौलपुर में आज भाव रहा है सरसों का 6890। नरमा कपास आज अलनाबाद में बिका है 9412, आदमपुर में 9400, सिरसा में 9400, अनूपगढ़ में 9850, अबोहर में 9365, हनुमानगढ़ में 10021, गोलूवाला में 9755, गंगानगर में 9600, फतेहाबाद में 9100, पदमपुर में 10000, केसरी सिंहपुर में 10000, रावतसर में 9502 और अकोला महाराष्ट्र में आज कॉटन बिका है, कपास बिका है 10502, सूरतगढ़ में 9652 और भट्टू हरियाणा में 9477। तो कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।